लेकिन जिसमें हया नहीं वो मजलिस में आके भी गुनाह करता है, निगाह हराम में मुब्तला होता है। ईरान का जवान, नाम है रजा, कहता मैं बड़ा गुनहगार, जो अंचोली में सुन चुके हैं लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बयान कर रहा हूं। नाम है रजा, कहता है मौलाना मैं इतना गुनहगार था कि जब गुस्सा आता था तो अपनी मां पे भी हाथ उठाता था, बाप को भी मारता था। तालीम नहीं थी, तरबियत नहीं थी, अकल नहीं था, हया नहीं थी, यहां तक कि मां बाप की बातों से तंग आया और घर से निकल गया। मैंने एक फ्लैट जाके किराए पे लिया, उसमें रहने लगा। रातों को दोस्त आते थे, दोस्तों के साथ मिलके कभी जुआ खेलता, कभी शराब पीता, कभी बदकारी करता। पूरा साल मेरा इसी तरह गुजरता। सुबह को जाता था, मुसाफिर किश कहते हैं, टैक्सी में लोगों को उठाता करता, और जो कमाई होती रात को आके मेरा काम यही था अय्याशी। कई ऐसे जवान हैं जिनकी जिंदगियां ऐसी गुजर रही हैं। तो कहता है मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, पहली मुहर्रम कोई दोस्त नहीं आया, दूसरी मुहर्रम कोई दोस्त नहीं आया, छह मुहर्रम हो गए कोई आ ही नहीं रहा मेरे पास। मैंने फोन किया दोस्तों को, कहा क्या हुआ है, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे? कहा रजा तुझे नहीं पता हुसैन का महीना शुरू हो चुका है, हम गुनहगार हैं लेकिन मुहर्रम में हम थोड़ा एहतराम करते हैं, ये भी हया का सबब है ना। इसने कहा कैसा मुहर्रम, कौन सा मुहर्रम, आ जाओ। दोस्तों ने कहा हम नहीं आते, अशरा गुजर जाएगा फिर जाकर मिलेंगे। कहता है घर में बोर हो गया, गाड़ी निकाली, रोड पे गया, क्या देखा, दुकानें बंद, बाजारें बंद, तेहरान की गलियों में घूमता रहा, कोई मुसाफिर नहीं, जुलूसों को देख रहा हूं, अलमों को देख रहा हूं, जत्थों को देख रहा हूं। इतने में रोड पे एक जवान लड़की जा रही थी, गाड़ियों को रोक रही थी। मेरा काम था मुसाफिर किसी, मैंने उस जवान लड़की को गाड़ी में बिठाया। कहाँ जाना है? उसने कहा सामने, मुझे आप उतार दीजिए, गाड़ी चलाई। कहा था तो मैं बदकिरदार ना, तहजीब तो मेरी कोई थी नहीं, तरबियत तो कोई थी नहीं, मेरे जहन में शैतान आया, नीयत खराब हुई, मैंने गाड़ी को पलटा और अपने घर की तरफ जाना था। ये जवां बच्ची परेशान हुई, कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपने इरादा बताया उसे, वो डर गई, कांपने लगी, वजूद कांपने लगा। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, हुसैन का मुहर्रम है, आजादारी का महीना है, लेकिन जो बेशरम हो वो मजलिस से भी नहीं मुड़ता, वो जुलूस में भी हया ही करता है जिसके वजूद में हया ना हो। इसने कहा कैसा मुहर्रम, कौन सा मुहर्रम, मुझे जो करना है मैं करूंगा। कहता है वो रोने लगी जवान बच्ची। उसने कहा मुहर्रम का हया नहीं करते, मैं सही आजादी हूं, मेरा हया कर। कहता है फिर भी मैं बाज नहीं आया। उसने कहा अगर मेरे सैयद होने का हया नहीं करते, मेरी अम्मा जहरा का हया कर, मेरी दादी जहरा का हया कर। का जैसे बीबी का नाम सुनना था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, गैरत जाग उठी मेरी। मैंने कहा कहां जाना है? कहा मैं उस हुसैनी में इमाम बारगाह मजलिस सुनने जा रही थी, मुझे वहां उतार दे। कहता मैंने गाड़ी को पलटा, उस इमाम बारगाह पे पहुंचा, इस खातून को उतारा। जैसे उतारा तो मुझे कहने लगी कि मैं अपनी अम्मा जहरा से तेरे लिए दुआ करूंगी, तुमने मेरी मां के नाम का हया किया ना, तू चाहता तो गुनाह करता, मैं बेबस थी, बिगड़ चुकी थी ये मंजर देखकर। और जब उसने वास्ता दिया मां बाप के घर जहां पर है, गाड़ी को रोका और मैं गया अम्मी के घर, दरवाजा खोला, घर में कोई नहीं। क्या करता, मैंने टीवी को ऑन किया। कहता जैसे टीवी ऑन किया तो इत्तफाक से टीवी पे जन्नतुल बकी दिखाया जा रहा था और मसाए पढ़ने वाला जनाबे सैयदा के मसाए पढ़ रहा था कि मुसलमानों ने नबी की बेटी का हया नहीं किया। इतने घंटे दरबार में खड़ी रही लेकिन हक नहीं दिया, उसी नबी की बेटी के पहलू पर आग भरा दरवाजा गिराया। कहता यह सुनकर मेरा कलेजा फटने लगा, इतने बेहया थे मुसलमान। कहता मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, अचानक टीवी की तस्वीर बदली और करबला दिखाने लगे। फिर उसने कहा इसी नबी के नवासे को करबला में गर्दन के पीछे से काटा गया।
नबी के नवासे की बेटियों के चेहरे पे तमाचे मारे गए, चादरों को उतारा गया। कहता इनकलाब आ चुका था मेरे बदन में, मैं इतना रोया, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं अल्लाह से माफी मांगने लगा। इतने में मेरी मां ने घर का दरवाजा खोला, अंदर आई। जैसे मैंने अपनी मां को देखा, मैं दौड़ा दौड़ा मां के कदमों पर गिर गया। मैंने कहा अम्मा, आज तक आप पे जो हाथ उठाया है मुझे माफ करिएगा। मुझे पता नहीं था जब मां को कोई मारता है तो बेटे पे क्या गुजरती है। हमारे उस्ताद कहते थे तसव्वुर करो किसी गली में तुम्हारी मां को कोई तमाचा मारे। तेरे ऊपर क्या गुजरेगी। कहती है मेरी मां ने बड़े प्यार से मेरा सर उठाया और मुझे कहा कि रजा तू आज बदला बदला लग रहा है, तू वो नहीं है जिसे मैंने छोड़ा था। तो कहते मैंने रोकर कहा अम्मा हुसैन ने मुझे बदल दिया है। मैंने कहा अम्मा कहां से आ रही हो। कहा मजलिस से आ रही हूं, घर में कुछ काम था। कहा मुझे मजलिस से इमाम हुसैन में लेकर चलो, ये मजलिसें वजूद बदल देती हैं, लम्हों में किरदार को किरदार बना देती हैं। कहा एक मरतबा मजलिस में गया, सारे मोहल्ले वाले जानते थे, कई सालों से मैं नहीं आया था, इस जवान को क्या हुआ जो आज मजलिस में आया है। कहते बहुत रोया बहुत रोया। मैंने कहा अगर इजाजत हो मैं इमाम के रोने वालों को चाय पिलाऊं, खिदमत करूं। उन्होंने कहा रजा क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह आओ खिदमत करो, ये तो फर्श ही इसीलिए। कहते मैं खिदमत की, डेढ़ महीना ये हुसैन की मले का काम करता था। कहता एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा रजा फला मोमिन को अपने साथ ले जाना था लेकिन बीमार हो गया है, अगर तू राजी हो जाए तो फ्री में एक बंदे को मैं करबला ले जा सकता हूं। कहते आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा इतनी जल्दी हुसैन राजी भी हो गए। वल्लाह जब उनकी निगाह पड़ती है ना तो सदियों का सफर दिनों में गुजरता है, सदियों का सफर। कितने भी गुनाह किए हों लेकिन तू आमादा तो हो जा, फिर देख वो तेरे ऊपर कैसी निगाह डालते हैं। मैंने कहा और क्या चाहिए। कहता जेब से एक फर्चा खर्च नहीं किया पैसा, करबला पहुंचा, आका हुसैन की जियारत की, हजरत अब्बास के रोजे की जियारत की। रोकर कहने लगा मौला हुसैन मुझ बेहया को आपने बुलाया, मौला मेरा किरदार तो ऐसा नहीं था, आप मुझे बुला रहे हैं, इतना करम दो महीनों में अपने हरम में बुला लिया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। कहता जियारत करके वापस गया। चंद महीने गुजरे, उसी काफिले सालार ने कहा रजा मस्जिद वाले तुझसे बड़े राजी हैं, मोहल्ले वाले तुझसे बड़े राजी हैं, सब तेरे किरदार की तारीफ कर रहे हैं। मैं काफिला उमरे के लिए ले जा रहा हूं, मदीने चलोगे, जन्नतुल बकी जलोगे। कहते वहीं पे रो रो के जमीन पे बैठ गया। कहते लगता है हुसैन की मां भी राजी हो गई है। इतनी जल्दी भला कौन, मां भी राजी नहीं होती, बाप भी राजी नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं चलूंगा, मदीने गया, जन्नतुल बकी गया, बहुत रोया। बीबी आप मुझसे राजी हो गए, आपका शुक्रिया। कहते वापस आया, उस मोहल्ले का एक बहुत सरमाएदार आदमी था, मुतदय्यन, मस्जिद में डेली आता था, मुझे देखता था। एक दिन मेरे वालिद के पास गया, कहा कि ये जवान बहुत नेक हो चुका है, पता नहीं क्यों इसकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है, जब देखता हूँ मेरे वजूद में खुशी आ जाती है। कहा कि अगर जहमत ना हो तो मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी रजा से हो जाए। बाप ने कहा मेरा बेटा जानते हो चंद महीने हुए सुधर गया है, ऐसा ना हो फिर बिगड़ जाए। कहा मैं खुद जाके बात करता हूँ। रजा के पास आया, कहा मैं बेटी देना चाहता हूँ। इसने कहा मुझे कहा तू नेक हो गया, लेकिन एक वादा कर आज के बाद हुसैन को छोड़ेगा नहीं।
अब्बास के दामन को फिर छोड़ के जाएगा नहीं। अल्लाह वो दिन मेरी जिंदगी में न लाए कि मैं हुसैन को छोड़ू। फिर कल आ जा मेरी बेटी का रिश्ता लेने। अपनी मां के साथ वालिद के साथ रिश्ता लेने गया। जैसे घर पहुंचा, ईरान में रस्म आए कि जिन बच्चियों का रिश्ता लेने जाता है वो चाय लेकर आती हैं। ये लड़की जैसे चाय लेकर आई, इसकी निगाह जैसे रजा पे पड़ी, वहीं चीख मार के बेहोश होकर गिर गए। बाप परेशान, माँ परेशान, ये परेशान, हुआ क्या लड़की को? कमरे में ले गए, कई टाइम के बाद होश में आई, और जैसे होश में आई रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। माँ ने कहा, बेटी हुआ क्या है? कल रात मैंने सैयदा फातिमा को ख्वाब में देखा, मैंने अपनी बीवी को ख्वाब में देखा था, बीवी ने इसी जवान का फोटो दिखाया था और मुझे कहा था इसने मेरी बेटी का हया किया था, इसने मेरा एहतराम किया था, इसे ना न कहना। किसी सैयद जादी का भी कोई हया करे तो सैयदा दुआ देती है।